गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो मेरे लेक्चर लेक्चर है बीसीए स्टडी और बीटेक स्टडी के लिए, सब्जेक्ट का नाम है ई कॉमर्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ डज ईडीआई वर्क, ईडीआई किस तरीके से काम करता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मॉडल ईडीआई, ईडीआई की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से काम करता है। देयर आर थ्री स्टेप टू सेंडिंग ईडीआई डॉक्यूमेंट। किसी भी ईडीआई डॉक्यूमेंट को भेजने के तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। दूसरा ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट इनटू ईडीआई फॉर्मेट, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको ईडीआई फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसमिट द ईडीआई डॉक्यूमेंट टू योर पार्टनर। और थर्ड होगा जो हमारा ईडीआई डॉक्यूमेंट है उसको फिर हम ट्रांसफर कर देंगे अपने पार्टनर, राइट। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ए ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी बी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ईडीआई का यूज कर रही है, तो दीज आर कॉल्ड बिजनेस पार्टनर, वो बिजनेस पार्टनर कहलाएंगे। पहला स्टेप प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट टू बी सेंड, तो पहले हमने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करा। द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द डेटा, तो पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आ परचेज ऑर्डर, योर सिस्टम क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कॉल्ड एन ईडीआई डॉक्यूमेंट। आपका कंप्यूटर क्या करेगा, एक प्रिंटिंग आप परचेज ऑर्डर प्रिंट करने के बजाय सिस्टम क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉनिक फाइल विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। द सोर्स ऑफ डाटा एंड द मेथड अवेलेबल टू जनरेट द डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड, अभी बहुत सारे मेथड यूज हो सकते हैं। पहला ह्यूमन डेटा एंट्री बाय स्कीम, क्या करें ह्यूमन अपने आप एंट्री कर ले, इसकी जिसे देखकर अपने आप एंट्री कर ले। एक्सपोर्टिंग पीसी बेस्ड डेटा फ्रॉम स्प्रेडशीट और डेटाबेस, आप एक्सपोर्ट कर ले डेटा को और उसको कन्वर्ट करके स्प्रेडशीट में। रिफॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट इनटू डेटा फाइल, राइट। इनहांसिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन टू ऑटोमेटिकली क्रिएट आउटपुट फाइल, परचेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे गोल्डन इंटरफेस को यूज किया जाए, या कोई एक एप्लीकेशन परचेज कर ले या कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर ले जो पीडीएफ फाइल बनाता हो, राइट। इनमें से कोई सारी मेथड यूज कर सकता है करने के लिए ईडीआई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो पहला स्टेप हुआ प्रिपेयर ईडीआई डॉक्यूमेंट, दूसरा स्टेप आया ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट इनटू पीडीएफ फॉर्मेट। अब जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार करा है उसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू फीड योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट योर इंटरनेट डेटा फॉर्मेट टू पीडीएफ डेटा फॉर्मेट। यहाँ पर अब जो आपने इसका फीड करा है, राइट, जो डेटा आपने कलेक्ट करा उसके बाद ऑर्गेनाइज करा उसको, उस डेटा को ईडीआई सेंटर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। यू कैन परचेज ईडीआई ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर दैट वी मैनेज एंड मेंटेन ऑन योर प्रीमाइसेस, यहाँ पर आप ईडीआई ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जो क्या करेगा जो आपका डेटा है वो डेटा को ईडीआई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। दिस रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मैपिंग एक्सपर्टाइज इन ऑर्डर टू डिफाइन हाउ योर इंटरनेट डेटा इज टू बी मैप टू द ईडीआई डेटा। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू सूट दिस और एनी कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट, वो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर लोगे, जो आपको सूट करता है उस तरह का आप एक सॉफ्टवेयर खरीद लो जो सॉफ्टवेयर आपके डेटा को कन्वर्ट करेगा किसमें, ईडीआई फॉर्मेट, राइट। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द ट्रांसलेशन सर्विस ऑफ एन ईडीआई, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर लेना नहीं चाहते तो कोई ईडीआई सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप एक ट्रांसलेशन सर्विस ले लो जो कि आपके डेटा को ईडीआई में ट्रांसलेट ईडीआई फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर दे। इन दिस केस यू सेंड योर डेटा टू द प्रोवाइडर, इस केस में आप अपने डेटा को प्रोवाइडर को दे सकते हो टू हैंडल ट्रांसलेटर टू एंड फ्रॉम द ईडीआई फॉर्मेट ऑन योर बिहाफ। स्टेप थ्री कनेक्ट एंड ट्रांसमिट योर ईडीआई डॉक्यूमेंट टू योर बिजनेस पार्टनर, आप कनेक्ट होंगे अपने पार्टनर से और उसको डेटा ट्रांसफर करोगे। कैसे, वंस योर बिजनेस डॉक्यूमेंट आर ट्रांसलेटेड टू द ईडीआई फॉर्मेट, जब आपका दोनों काम हो जाए, आपने पहले अपना बिजनेस डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, दूसरा काम आपने उसे ईडीआई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ये रेडी हो गया किसके लिए, ट्रांसमिट होने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए आपके बिजनेस पार्टनर पर। यू मस्ट डिसाइड हाउ यू विल कनेक्ट टू ईच ऑफ योर पार्टनर टू परफॉर्म दैट, अभी आपके तय होता है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हो अपने पार्टनर से कनेक्ट होने के लिए। देयर आर सेवरल वे, बहुत सारे तरीके हैं, द मोस्ट कॉमन टू कनेक्ट डायरेक्टली, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ यूजिंग ESP या अनदर सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, आप इसे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट टू एन ईडीआई नेटवर्क प्रोवाइडर, आप या बैंक यूज कर लो, वर्चुअल एरिया नेटवर्क प्रोवाइडर यूज कर लो या ईडीआई नेटवर्क प्रोवाइडर यूज कर लो और आप उससे कनेक्ट हो जाओ यूजिंग योर प्रीफर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, अपना जो आपका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसका यूज करके आप उससे कनेक्ट हो जाओ।
थर्ड आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पार्टनर एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आप इनमें से कोई शब्द यूज कर सकते हो, उससे कनेक्ट होने के बाद आप उसको सेंड कर दो डेटा, और डेटा हमारा जो ईडीएफ फॉर्मेट होगा, डेटा हमने ईडीएफ फॉर्मेट कन्वर्ट करा है, वो सेंडर से रिसीविंग साइड पर पहुंच जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईडीआई। ईडीआई कितने तरीके का होता है? पहला होता है डायरेक्ट ईडीआई या पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई। रोड टू प्रोमिनेंस बाय वॉल पार्ट डायरेक्ट ईडीआई समटाइम कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई। इसे पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई बोलते हैं। एस्टैब्लिश अ सिंगल कनेक्शन बिटवीन टू बिजनेस पार्टनर। एक पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या हो गया, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा। इन दिस अप्रोच यू कनेक्टेड विद ईच बिजनेस पार्टनर इंडिविजुअली। इट ऑफर्स कंट्रोल फॉर द बिजनेस पार्टनर एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज बिटवीन लार्जर कस्टमर एंड सप्लायर। राइट, ईडीआई बाय वैन वर्चुअल एरिया नेटवर्क एंड इंटरनेट। क्या डायरेक्ट ईडीआई मॉडल इज ईडीआई नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर व्हिच प्रायर टू द इंटरनेट वाज रेफर्ड टू एज डेलीवर नेटवर्क। मैंने बिजनेस प्रीफर्ड दिस नेटवर्क। यहाँ पर आप वैन का यूज कर सकते हो जो आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा जिसके थ्रू आप अपना जो ईडीआई फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड है ईडीआई वाई एफटीपी वीपीएन एसएफटीपी एफटीपी है। आप इन सब का इन प्रोटोकॉल का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हो। ईडीआई ओवर वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द एक्सचेंज ऑफ ईडीआई डॉक्यूमेंट बाय द इंटरनेट। आप इन प्रोटोकॉल का यूज करके इंटरनेट के थ्रू अपने ईडीआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट को सोर्स एंड डेस्टिनेशन पर भेज सकते हो। नेक्स्ट है वेब ईडीआई। अनलाइक ईडीआई बाय डीएसटू वेब ईडीआई कंडक्ट ईडीआई यूजिंग अ स्टैंडर्ड इंटरनेट ब्राउजर। वेब ईडीआई में एक स्टैंडर्ड इंटरनेट ब्राउजर का यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट ऑनलाइन फॉर्म्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद बिजनेस पार्टनर। वेब ईडीआई मेक ईडीआई ईडीआई अफोर्डेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे वेब ईडीआई का यूज कर सकते हो। मोबाइल ईडीआई यूजर इंटरनेशनल एक्सेस ईडीआई बाय अ प्राइवेट नेटवर्क सच एज वेब ईडीआई डॉक्यूमेंट। मोबाइल ईडीआई है हाइब्रिड ऑप्शन। मोबाइल ईडीआई का भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ ईडीआई सॉफ्टवेयर है उनका यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। दीज आर कॉल्ड द ईडी टाइप्स ऑफ ईडीआई। सारे के सारे टाइप्स कहलाएंगे किसकी, ईडीआई। अब एडवांटेजेस क्या है ईडीआई के बिजनेस को? अगर बिजनेस ईडीआई यूज कर रहा है तो उसे उसके फायदे क्या क्या है? पहला फायदा, इट शॉर्टन द सप्लाई चेन, ये सप्लाई चेन को कम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा, ये आपके जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको ये कम कर देता है। इट इंक्रीज ट्रांजेक्शन एक्यूरेसी, ये ट्रांजेक्शन एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज इनेबल द ऑटोमेशन ऑफ और इट एक्सपेंड द मार्केट फॉर द कंपनी एक्टिविटी। ये एक्सपेंड कर देता है मार्केट को कंपनी की एक्टिविटीज के लिए। इट इनेबल ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग, हम इसकी मदद से आसानी से ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। इट रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड सप्लायर, कस्टमर सप्लायर के बीच में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। इट रिड्यूस पेपर यूजेस, पेपर यूजेस को कम कर देता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो हम अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी कॉस्ट को कम कर देता है। दूसरा, पेपर यूजेस के पेपर यूजेस को रिड्यूस कर देता है। तीसरा, जो है आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको ये कम कर देता है। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, जितना भी टाइम आपका लग रहा है एक बिजनेस डॉक्यूमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेजने में, उस टाइम को ये कम कर देगा। आपके पार्टनर तक आपका डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। राइट, तो इस तरह से ईडीआई काम करता है। एंड बी आर का टाइप ऑफ ईडीआई, एंड बी आर का एडवांटेज ऑफ ईडीआई, ये सारे एडवांटेज है ईडीआई। राइट, और बी आर का स्टेप ऑफ यूजिंग ईडीआई, इस तरह से ईडीआई काम करता है। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि किस तरह से ईडीआई काम कर रहा है। तो हाउ ईडीआई वर्क, ईडीआई किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले प्रिपेयर द बिजनेस डॉक्यूमेंट, आप उससे पहले उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करोगे जिस डॉक्यूमेंट को आपको भेजना है। राइट, उस डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, आप कोई वूमन का यूज कर सकते हो। वूमन क्या करेगा, सारी एंट्री को स्क्रीन से देख कर उसको स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करेगा। राइट, या डेटा को एक्सपोर्ट करेगा स्प्रेडशीट में। राइट, इस तरह से वो स्प्रेडशीट बना देगा या एमएस वर्ड का यूज कर लेगा।
उसके बाद दूसरा होगा पीडीएफ फॉर्मेट का यूज, आप उसको ट्रांसलेट करोगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रेडी हुआ उसको आपने ट्रांसलेट करा पीडीएफ फॉर्मेट में, और तीसरा स्टेप होगा ट्रांसमिटिंग ऑन द इंटरनेट या नेटवर्क, आप उस डेटा को जो भी आपने पीडीएफ फॉर्मेट में कराया डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट को आप भेजोगे कहां पर, नेटवर्क के ऊपर, ओके, आप उसको नेटवर्क के ऊपर भेजोगे। तो तीन आगे स्टेप हमारे ये स्टेप है क्या करने के लिए, किस तरह से हमारा एडीआई जो है वो काम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडीआई हर बार आता है, आपकी बार भी आएगा, आप इसे इतना कभी आएंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके।